Good morning to you all, dear friends. Today we shall be discussing another poem of our syllabus. The name of our poem is "Trees." About the chapter, trees provides us many useful things. Trees gives us everything without expecting anything in return. Trees are best friend of human beings. Through this poem, the poet wants to tell us about यूटिलिटी ऑफ द ट्रीज चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि पेड़ हमें अनेक इस्तेमाल करने वाली चीजें देते हैं और अवेलेबल करवाते हैं और ये सारी चीजें हमको बिना एक्सपेक्ट रिटर्न में एक, बिना एक्सपेक्ट किए देते हैं और ट्रीज हमेशा हमेशा हमारे बेस्ट फ्रेंड ह्यूमंस मानव जाति के लिए बेस्ट फ्रेंड या अच्छे मित्र होते हैं थ्रू दिस पोएम वी आर बिंग टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड द थिंग्स दैट ट्रीज प्रोवाइड टू अस सो डियर फ्रेंड्स यो विथ आ पोएम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो दे डू नो हम दे सिंपली ग्रो एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस एंड गैद बर्ड्स अमॉन्ग दे बाउस पेड़ सबसे दयालु चीजों में आता है वह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता और बिना कुछ किए वह सिंपली चुपके से बढ़ते जाते हैं वह गायों के लिए या गाय के लिए सोने के लिए चाव करते हैं और अपनी डालियों में बाउस का मतलब टहनिया अपनी टहनियों में चिड़ियाओं को पक्षी को इकट्ठा करते हैं दे गिव फ्रूट एंड लीव्स अबाउ एंड फूड टू मेक अ हाउसेस ऑफ एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोविन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन और पेड़ हमें फ्रूट्स और लीव्स देते हैं और उनकी टहनिया उनकी डायलियों से अपन घर बनाते हैं और जो पतिया रहती है जो सूखी पत्तियां वो हेलोविन के दिन जलाने में इस्तेमाल की जाती है और जब ओटम आता है ओटम के समय वह न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन मतलब कि नई हरी कलियां हमें मिलती है पेड़ों से ना वेलोविन हेलोविन इज अ डे सेलिब्रेटेड बिफोर ऑल सेंट्स डे दे आर फर्स्ट When days begin to touch the beams of morning sun, they are the last to hold the light. When evening changes into night, पेड़ी एक ऐसे जीव है जो कि सूर्य की किरणें पहले सूर्य की किरणें उन पर गिरती है बीम का, बीम का मतलब किरणें गिरती है और सबसे लास्ट भी उनकी ही उनके ऊपर ही किरणें गिरती है जब सूर्य अस्त होता है या डूबने जाता है एंड वेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी लुलेबे ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन अगो ट्रीस आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो और जैसे ही मून निकलता है मून फ्लोट्स करता है आसमान में तो वो क्या करते हैं हम करते हैं लूलहे बे का मतलब लोरिया गाते हुए बच्चों को सुलाने वाली लोरिया गाते हुए वो गाने को हम करने की आवाज हमें सुनाई देती है और स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो का मतलब कि ये जो लोरिया किसके लिए गाई जाती है छोटे बच्चों के लिए उन्हें सुलाने के लिए लोरिया गाई जाती है और पोएट बोलता है कि ट्रिस हमेशा हमेशा के लिए काइंडेस्ट या दयालु चीज थी है और रहेगी और यहां तक मुझे इतना पता है कि पेड़ों के जैसा दयालु व्यक्ति दयालु चीज कोई नहीं है दिस पोएम इज रिटर्न बाय हैरी बैन सो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोएम प्लीज गो थ्रू योर पोएम Read the poem carefully, understand it, and study well. Okay, that's it for today. Take care, thank you, have a nice day.